गुरुग्राम के सेक्टर 66 में कई झुग्गियों में आग लग गई है। करीब 40 झुग्गियों में आग की चपेट में है। जोशीमठ कोतवाली में पुलिस के साथ एनडीआरएफ भी ग्राउंड पर उतर गई है। बड़ी तादाद में फोर्स मौजूद है। सीतापुर में ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या में तेजी का इजाफा हो रहा है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तैयार हो गया है। 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 171 नए मामले आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2342 हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा के गजरौला स्थित हाईवे रिसोर्ट में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नागपाल ग्रुप से समीर नागपाल एवं बीकानेर वाला के फ्रेंचाइजी मुकेश गोयल के बेटे रजत गोयल ने संयुक्त रूप से टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 250 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के ग्रुप के पूरे जनपद में सराहना हो रही है। कानपुर में आगजनी और प्लॉट कब्जाने के आरोप में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने आरोप लगाया है कि घटना के समय दोनों की जो लोकेशन थी, पुलिस ने उस लोकेशन के सीडीआर विवेचना में नहीं लगाई है। उनका कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि इनको विवेचना में शामिल किया जाए। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस पर जाँच के आदेश दिए गए हैं। आपको अपराध संख्या 127/22 थाना जाजमऊ में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की विवेचना के दौरान जो घटना के समय लोकेशन थी, वो लोकेशन की सीडीआर नहीं लगाई गई इन्वेस्टिगेशन में और अब तक उसको शामिल नहीं किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर रखा है कि इन चीज़ों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, चाहे वो एक्यूज की तरफ से हो, चाहे वो विटनेस की तरफ से हो या वो पीड़ित की तरफ से हो। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगातार बकाए गन्ने के भुगतान और सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने बिलाई शुगर मिल से गन्ने का भुगतान न होने पर बिल के जीएम को बंधक बना लिया, तो वहीं किसानों ने गन्ना अधिकारी पर मौके से भागने का आरोप भी लगाया है। रायबरेली के बछरावों में नगर के मुख्य चौराहे पर जिला परिषद मार्केट के ऊपर लावारिस हालत में विक्षिप्त अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने पर पूरी मार्केट में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अर्धविक्षिप्त अधेड़ अपने घर को छोड़कर कई वर्षों से जिला परिषद मार्केट में ऊपर अपना आशियाना बनाए हुए था। वहीं जानकारी मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच मृतक के परिजनों को जानकारी दी है। बदायूं में कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा में जाटों वाली गली में एक व्यक्ति को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही शहर में दिन दहाड़े हुई घटना से हड़कंप मच गया है। ऐसा है, किसानों की जो पुराना मिल पे बकाया भुगतान है उसके लिए किसानों की मांग है, वार्ता के लिए हम यहाँ आए थे। वार्ता चल रही है, बैठ के बातचीत हो रही है, इसके लिए ये मांग है इनकी और जल्दी हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नया भुगतान भी जल्दी शुरू करेंगे। क्या वजह है जो भुगतान नहीं हो पा रहा है किसानों को? ये बजाज ग्रुप की समस्या पूरे प्रदेश भर में है, जिनमें कि आपको ये बताऊँ मैं, बिलाई बजाज की सारी चीनी मिलों में बिलाई चीनी मिल का भुगतान आज भी सबसे आगे है।
इस ये हमारा कल से चल रहा है किसान आंदोलन है हमारा ये, और बिलाई सुगर मिल हमारे भी पिछले साल का भी 58 करोड़ बकाया भुगतान दबाई बैठी है, इस साल का भी लगभग 2 अरब हो गया है इनके पास। अगर 250 करोड़ रुपया किसान का नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ जाएगा, भुखमरी की स्थिति में आ जाएगा, आर्थिक तंगी में किसान झेल रहा है, और ये हमारा गन्ना पेमेंट दबाए बैठे हैं। आज भी वार्ता हुई थी, नजोबा चीनी मिल ने हमारा 10 करोड़ आज दिया है, लगभग 12 दिसंबर तक का पेमेंट आ गया है। चांदपुर थोड़ा पीछे था, उसने भी जो 6 करोड़ देकर आ गया है, ये आज भी 10 करोड़ की बात करें जबकि इन 58 करोड़ अभी पिछले साल का है, नए साल का भी अलग, नए साल की कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आज जीएम साहब को भी हमने यहीं अपने बीचों बंधक बैठा लिया, सब लोगों ने तय किया कि यहीं बैठेंगे जब तक ये गन्ना। औरैया में बढ़ती सर्दी के चलते जिला प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। बता दें जिले में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। वहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक करने के लिए प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो जिन जगहों पर जलते अलावों के पास लकड़ी कम थी वहां पर नगर पालिका कर्मी उन अलाव पर लकड़ी उपलब्ध कराते दिखे। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट रोड पर गौर सिटी अभय खंड के नजदीक स्टंट एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 लड़के स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टंटबाजी करने वाले 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही गाड़ी भी सीज कर दी गई है, साथ ही 2 स्टंटबाजों की पुलिस तलाश कर रही है। रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव के पास बांदा बहराइच मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और हादसे में लगभग 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोगों के अभी भी डंपर के नीचे दबे होने की सूचना मिल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम मौजूद है, JCB की मदद से डंपर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। सर क्या परिचय है और क्या क्या हादसा हुआ है? सर हमारा नाम तिलक सिंह है, मैं इस कंसा पंचायत का पूर्व प्रधान हूँ और ये हादसा अभी 1.5 घंटे पहले हुआ जिसमें गांव के एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसमें 10-12 लोग बैठे हुए थे जिसमें से 3 लोग मृतक हो गए और बाकी लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। अभी डंपर के नीचे भी 2-3 लोग दबे हुए थे। जो जिनकी डेथ हुई है उनका नाम क्या है? सर लल्लू और आपके अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।